अरे यार गाइस, मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ ना। अरे कभी कभी तो लगता है मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। अरे यार मैं कितना सुंदर हूँ। अरे यार क्या करे यार, किस्मत तो साथ नहीं देती। और यार मैं ऐसे घर में रहता हूँ जहाँ पर फ्रैंकलिन भैया जैसे आदमी रहते हैं। अरे यार चलो जो भी है यार गाइस, आप सभी लोग कैसे हो यार? आपका मस्त स्कूल चल रहा है ना? अरे यार मेरे दोस्त का तो एग्जाम भी था। अरे पता नहीं यार उसका क्या बनेगा, पर यार जल्दी से यार धूप में थोड़ा सा बैठ लेते हैं। अरे यार कहाँ गया? अरे यार यहाँ पर तो टेबल होता था ना। अरे और कुर्सी भी होती थी और एक छतरी भी। अरे यार फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया सब? बाबा ऐसा बेच दिया इसने वे। अरे यार क्या बेच दिया? अबे यार वो जो वहाँ पर पड़े होते थे ना, हम जहाँ पर लेट जाते थे, जैसा यहाँ पर एक पड़ा है। अरे यार हाँ यार बिल्कुल ये ऐसा था यार, यही पड़े थे वहाँ पर, क्या कहाँ गए यार अब? अबे यार वो मैंने बेच दिए। अरे यार क्यों यार? और यार टेबल भी था वैसे वाला, और यार कुर्सियाँ भी थी, और ऐसे वाली छतरी भी थी। अबे सब बेच दिया। अरे यार क्यों? पागल हो गए हो क्या यार? आपके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है? अरे यार अपने घर की चीजें बेच रहे हो यार, इससे पागल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अबे भाई मुझे पागल कहने से पहले मेरी बात सुन ले। अरे यार क्या सुनो? अपने बाथरूम की टूटियां खराब हो गई थी। अरे यार अगर बाथरूम की टूटियां खराब थी तो यार आपने इनको क्यों बेचा? अबे क्योंकि बाथरूम की टूटियां बहुत महंगी आती हैं, और तुझे पता ही अपने पास पैसा नहीं था, तो मैंने सोचा यार नहाना जरूरी है, यहाँ पर तो कभी कभी हम लेट जाते हैं, तो इसको बेच कर टूटियां लगवा लेता हूँ। बबाई साहब शिंचन, इसी बात के कारण मैं कलुए को सुबह से एक घंटे से गालियां दे रहा हूँ। अरे क्या ही जरूरत पड़ी थी इसको बेचने की यार, कुछ और बेच देते यार, इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। अरे यार कबाड़ का सामान, भंगार का सामान, अरे अपना कच्चा बेच देते, पर हमारी ये कुर्सियाँ क्यों बेची यार? वहाँ पर मैं लेटता था यार धूप में। अबे यार तू क्या भाई दिमाग खराब कर रहा है? अबे ये देख यहाँ पर भी तो है ना कुर्सियाँ, वैसे ही तो यहाँ पर लेट जाइए करो भाई, कितना फर्क है। अरे यार वहाँ पर जब मैं बैठ कर धूप सेकता था तो यार रोड भी दिखती थी, और यार सामने वाले घर में मेरा दोस्त मुझे हाथ भी हिलाता दिखता था। अरे यार यहाँ पर तो मुझे क्या ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा यार, जंगल है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। अबे जंगल नहीं है ये। अरे यार जो भी है यार, पर यहाँ पर मजा बिल्कुल नहीं। अरे यार यहाँ पर तो मैं कभी नहीं बैठा। अबे चल कोई नहीं, जब स्लोली स्लोली पैसा आ जाएगा तो मैं वापस वहाँ पर लगवा दूंगा। अरे यार क्या स्लोली स्लोली पैसा आ जाएगा यार, 2-3 साल हो चुके हैं, 1 रुपए आपकी जेब में नहीं है यार, घर का सामान बेच बेच कर सामान लेकर आ रहे हो। भाई साहब छोड़ दे शिंचन, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, हम भाई साहब बारबेक्यू करते हैं और बारबेक्यू में कुछ बनाकर खाते हैं। अरे यार हाँ यार ये मस्त आइडिया है। अरे यार आज तो कुछ खाने का अलग ही मजा आएगा, क्योंकि यार बहुत ही बढ़िया मौसम है। अरे यार चलो कुछ बारबेक्यू में बनाते हैं। नहीं है। अरे क्या नहीं है? बारबेक्यू नहीं है। अरे यार हाँ यार वो तो यहाँ पर पड़ा होता था, अब वो कहाँ गया? वो भी मैंने बेच दिया। अरे यार क्या बोले जा रहे हो यार, वो भी बेच दिया? भाई साहब कलुए तेरी अकल तो ठिकाने में है ना बे, भाई साहब टॉयलेट बेच देता, भाई साहब खाने का क्यों बेचा? अबे मेरी बात तो सुनो यार। अरे यार अब क्या ही सुनने में रह गया है, सब कुछ बेच डाला। अबे यार वो जहाँ पर मैं सोता था, जो बेड था उसके जो स्प्रिंग है ना, वो बहुत ही चुभने लग गए थे मुझे रात को, तो मैंने सोचा। अरे यार तो आपने सोचा कि बारबेक्यू वाला बेच दे और यार उससे बेड ले ले? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तू। अरे यार क्या ही बेकार आइडिया था। अरे यार चुप, इनको कोई समझाओ यार, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। भाई साहब कोई बात नहीं, मैं टेंशन मत ले बे, आज तो इसका भाई साहब कुछ ना कुछ बेच कर सब कुछ वापस लेकर आएंगे। अरे यार चुप, तू बिल्कुल सही कह रहा है यार। अरे यार साइकिल भी अभी के अभी अपनी पैंट उतारो। ओए क्या बोल रहा है? अरे यार साइकिल भी मतलब कुछ भी करो यार, पर यार मेरा बारबेक्यू और मेरे वहाँ वाली कुर्सियाँ सारा कुछ वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अबे मैं बता कैसे लेकर आऊँ भाई, पहले इतना कुछ बेच दिया है, कुछ बेचने को रह ही नहीं रहा। अरे यार बस एक चीज रह गई है। क्या? अरे यार चोप को बेच देते हैं। भाई साहब बिल्कुल बे, बढ़िया दाम मिल जाएगा। भाई साहब क्या मुझे बेचने की बात कर रहे हो? भाई साहब देखो यारी में गद्दारी करते हो, भाई साहब मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल डालूंगा अगर मुझे बेचने की बात की। भाई साहब कल यही थी अपनी दोस्ती? अबे यार मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अरे यार हाँ यार चोप को कैसे बेचेंगे, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। भाई साहब मैं बहुत काम का हूँ, तभी तो मैंने दिमाग लगाकर ये सोचा है कि भाई साहब कलुए की गाड़ी बेच देते हैं, उसके साथ बारबेक्यू भी आ जाएगा वापस, और अपनी कुर्सियाँ और वो वाली छतरी भी। अरे यार हाँ यार ये मस्त आइडिया है। अरे यार चोप तेरे को तो यार कोई ना बेचे। अरे यार फेंक दे, बिल्कुल सही यही करना है। अबे रुक 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 जा भाई, क्या क्या करना है? अरे यार अपनी गाड़ी बेच डालो। गाड़ी बेच डालो? अरे यार हाँ यार वैसे भी तो आप कभी कभी ही गाड़ी लेकर जाते हो, तो यार चलो गाड़ी बेच देते हैं, उसके साथ सारा कुछ वापस ले आएंगे, जो जो यार पहले।
अरे ये क्या है? गाड़ी भी बेच दी मैंने। अरे यार ये क्या ले आए? अरे ये वाली गाड़ी थोड़ी सस्ती मिल रही थी तो मैंने पुरानी गाड़ी बेचकर ये ले आया मैं। अरे यार ये सब आप कब करते हो यार, हमें तो पता नहीं लगता। अबे जब तुम दोनों सो रहे होते हो भाई साहब, सुबह 12 बजे उठते हो तुम दोनों, उससे पहले ये सारे काम हो जाते हैं। अरे यार जो भी है यार, जितने भी आपके पास पैसे है यार, उससे ये वाला बारबेक्यू और वहाँ वाली कुर्सियाँ लेकर आओ यार, नहीं तो आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब कल सही बात है, घर में जो जो फर्नीचर था सब कुछ वापिस आएगा, नहीं तो तू घर से बाहर जाएगा। अबे क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? मैं क्यों घर से बाहर जाऊंगा? अरे फिर जो मर्जी हो जाए यार, हमारी ये सारी चीजें वापस लेकर आओ। अबे यार क्या अजीब मुसीबत है। अबे मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं और उस पैसों से भाई साहब मैंने अपने दोस्त की शादी में जाना है, उसके लिए कपड़े खरीदने हैं यार। अरे यार नहीं नहीं, किसी की शादी में नहीं जाना, अपना सामान लेकर आएंगे उस पैसे से। भाई साहब कल सही बात है, दोस्त की शादी पे जा रहा है और अपने घर की बर्बादी कर रहा है। अबे जा लेने दो ना यार, मैं कौन सा कहीं जाता हूँ। अरे यार जो भी है यार, आप शादी में नहीं जाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ उस पैसों से सारा सामान वापस लेकर आओगे। अबे यार ये तो गलत है। अरे यार गलत सही का नहीं पता, हमसे बिना पूछे काम कर लेते हो। अबे यार गाइस अजीब मुसीबत में डाल रहे हो यार तुम दोनों मुझे। भाई साहब मैंने सोचा था अपने दोस्त की शादी में जाऊंगा अच्छे से कपड़े खरीद कर, पर यार गाइस ये दोनों तो कह रहे हैं कि उन पैसों से भाई साहब बारबेक्यू और वहाँ पर जो कुर्सियां वर्सियां पड़ी थी सारा फर्नीचर वापस लेकर आओ। अबे यार एक दिन के लिए एडजस्ट कर लो ना, एक बार पैसे आ जाएंगे मैं सब कुछ ले आऊंगा वापस। भाई साहब कर ले, नहीं बे घर का सामान बेच बेच कर तू शादियों पे जा रहा है बे, शर्म कर ले। अरे यार क्या करें, पैसों की कमी हुई पड़ी है। अरे यार तो कोई ढंग का काम कर लो यार, घर पे लेटे रहते हो, टोन बड़ी कर रहे हो। अबे काम भी कौन सा कोई मिलता है ढंग का मुझे। भाई साहब कर ले, काम भी उसको मिलता है जिसको कुछ आता होता है। भाई तेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे को कुछ आता नहीं? भाई साहब क्या आता है बे तुझे, गाड़ी चलानी तुझे नहीं आती। भाई साहब घर का काम तेरे से नहीं होता, सफाई भाई साहब कभी कभी मैं करता हूँ। अरे चुप कर बे, सफाई तूने कब की है? अरे यार हाँ यार कभी कभी मैंने भी की है। अबे कौन सी सफाई तुम दोनों ने की है बे, पूरा घर की सफाई मैं करता हूँ। अरे यार आपको क्या पता, मैंने एक दिन बेड से गिलास उठाकर रसोई में रखा था यार। भाई साहब और मैंने पता है क्या किया था, मैंने भाई साहब चिप्स का पैकेट उठाकर डस्टबिन में फेंका था बे। अरे इसको तुम सफाई कहते हो? तो मैं जो पूरी बेडशीट ठीक करता हूँ, घर पे पोछा झाड़ू, वो सफाई नहीं होती? अरे यार वो तो आसान काम होते हैं यार, एक बेड से कभी गिलास उठाकर रसोई में रखो यार, तब पता लगेगा। भाई साहब और चिप्स का पैकेट कभी डस्टबिन पर डालकर देखना। अरे चुप करो बे, तुम दोनों दिमाग खा रहे हो। अबे यार गाइस इनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब मेरे पास पहले ही पैसे थोड़े से हैं, उन पैसों से गाइस मैं अपनी शादी में जाना चाहता हूँ, पर यार ये मेरा दिमाग खराब कर करके अपने घर का सारा सामान वापस लेकर आने को बोल रहे हैं। अरे तो घर का सामान ही वापस आएगा भाई साहब? हाँ गाइस सारा घर का सामान वापस आएगा, अगर आप सभी लोग भी हमारे साथ हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कर दो। हाँ गाइस यार वो तो फ्री का होता है भाई साहब, वो तो आप आराम से कर सकते हो। अबे भाई चलानी नहीं आती क्या तेरे को गाड़ी? अरे यार बिजी हूँ थोड़ा सा। अबे तू बिजी तो किसी हद चला भी गया। अरे यार उनसे नहीं मतलब यार, अपना सामान लेकर आओ। अबे यार थोड़े बहुत पैसे थे गाइस, वो भी गाइस अब चले जाएंगे और गाइस अब मैं शादी में भी नहीं जा पाऊंगा अपने दोस्त की। भाई साहब शादी में तूने नहीं जाना बे, क्या करेगा बे शादी में जाकर? अरे यार हाँ यार वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे अच्छे अच्छे कपड़े डालकर। भाई साहब कल तेरे जैसे भिखारी को तो अंदर भी नहीं घुसाते। अबे ओए इससे ज्यादा बेइज्जती कुछ कर लेकर रह गई है? अरे यार नहीं नहीं सब हो गया यार। अबे यार गाइस सच में यार ये भाई साहब मेरी इतनी बेइज्जती करते हैं ना, जिंदगी में इतनी बेइज्जती मैंने अपने स्कूल के टाइम भी नहीं करवाई। अरे यार चंकी भैया क्या करें यार, आपके काम ही कुछ ऐसे हैं। हाँ हाँ मेरे काम को भाई साहब बोल लो, और तो कुछ भाई साहब तुमने बोलना नहीं। वो कोई नहीं भाई, टाइम आएगा सबका, कोई बात नहीं। एक टाइम गाइस जरूर आएगा जब भाई साहब हम तीनों अमीर हो जाएंगे, फिर गाइस ये छोटे मोटे झगड़े भी नहीं हुआ करेंगे। अरे यार हाँ यार जब आप कोई काम पे लग जाओगे। अबे कौन से काम में भाई साहब, कर ले तभी कह रहा हूँ कुछ कर ले बे, हमने भी बिलियनियर बनना है। अबे पहले चबन्नी नहीं है जेब में भाई, बिलियनियर बनना है तुझे। अरे यार जल्दी चल यार, ऐसे कहाँ जा रहे हो? अबे यार मैं फर्नीचर की दुकान पे जा रहा हूँ जहाँ पर टेबल कुर्सियाँ वो हमने लेनी है। अरे यार हाँ यार चलो। बाय साहब गाइस मेरी दोस्त की शादी का प्लान हो चुका है कैंसल, अब गाइस मुझे ये यार ये सारा सामान वापस लेकर आना पड़ेगा घर का, जो जो गाइस मैंने बेचा था। चलो यार गाइस जल्दी से चलते हैं बाजार की तरफ। वेल तो गाइस बस हम दुकान की तरफ पहुंचने वाले हैं, मेरा गाइस एक दोस्त है जिसकी दुकान है भाई साहब, उसी के पास जाऊंगा। अरे यार देख लो यार, आपके दोस्त भी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, बस आप ही ऐसे बैठे हो। अबे यार बस कर बे, बार बार भाई साहब मुझे वही बात। अबे अंकल पागल हो गया, तेरी ऐसी तैसी गाड़ी कैसे मेरे में फोड़ी, इधर तेरी तेरी भाई साहब पकड़ इसको। अरे यार मैं पकड़ूं क्या? अबे तू छोड़ मैं बताता हूँ इसको, चल तेरी ऐसी तैसी। भाई साहब गाइस हम पे गाड़ी फोड़ता है बे। अरे यार आपके पीछे टमाटर किसने फोड़ दिए? पता नहीं भाई साहब क्या हो गया। अरे यार इसको गाड़ी नहीं चलानी आती थी। भाई साहब गाइस हमसे पंगे ले रहे हैं भाई, हमको गाड़ी चलानी आती है भाई साहब, तो सबको भी आनी चाहिए। अबे ये क्या चल रहा है?
आर्यन क्या हुआ? अबे वो तो देखा देखा लग रहा है कुछ। आर्यन वो तो आयरन मैन वाले भैया है। भाई साहब आयरन मैन यहाँ पर क्या कर रहा है? आर्यन लगता है किसी से बात कर रहे हैं। अबे आयरन मैन, अरे यार फ्रैंकलिन कैसा है? अबे मैं तो बढ़िया, क्या हो गया भाई आज यहाँ पर? तू तो अपने एवेंजर्स टीम के साथ होता है ना हमेशा। अरे यार नहीं नहीं, मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट पे? कैसे प्रोजेक्ट पे? अरे आसमान और धरती प्रोजेक्ट। आसमान और धरती, अब क्या बोल रहा है? अरे यार मैंने ना एक बोतल बनाई है पीने के लिए। ओ अच्छा अच्छा कोल्ड ड्रिंक है क्या? अरे पागल हो गया क्या, कोल्ड ड्रिंक ही होगा? अरे यार कोई ना कोई अच्छी दवाई होगी यार, जिससे बहुत ज्यादा शक्ति आ सकती है हम पे। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार तो क्या है भाई साहब? तो कोई ऐसी दवाई होगी जिसके साथ भाई साहब कुत्ते दो पैरों पे चल पाए। अरे यार नहीं नहीं चौप ऐसा भी कुछ नहीं। अबे तो है क्या, क्या बनाया तूने? और तू ये हेलीकॉप्टर वाले के साथ क्या कर रहा है? अरे यार फ्रैंकलिन, जो मैंने बोतल बनाई है ना, अगर तुम एक बार उसको पी लोगे और पीने के बाद अगर तुम कोई भी ऊंचाई वाली जगह से नीचे गिरोगे, मतलब कि अगर तुम आसमान से नीचे गिरने वाले होगे, तो वो सोल्यूशन एक्टिव हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी पूरी उल्टी हो जाएगी और तुम पहुंच जाओगे एक मिरर वर्ल्ड में। अबे क्या क्या बोल दिया इसने भाई साहब, कुछ मिरर वर्ल्ड की बात हो रही है? अरे यार वही वर्ल्ड है ना जिसमें सब कुछ उल्टा हो जाता है। अरे हाँ वैसा ही कुछ। अगर तुम एक बार उस सोल्यूशन को पी लोगे और पीने के बाद अगर तुम अपने आप को किसी ऊंचाई वाली जगह से नीचे गिराते हो, तो बीच आसमान में वो सोल्यूशन हो जाएगा एक्टिव और वो तुम्हें एक मिरर वर्ल्ड में पहुंचा देगा। अबे थोड़ी बहुत बात मुझे समझ आ गई है। तो भाई साहब तेरे प्रोजेक्ट का नाम ये आसमान और धरती प्रोजेक्ट क्यों है? अरे यार देख, अगर तुम आसमान से गिरोगे तो वो सोल्यूशन एक्टिव हो जाएगा और अगर तुम धरती के नीचे यानी कि समुद्र में कहीं पर गिरोगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओ अच्छा भाई साहब आसमान धरती प्रोजेक्ट। अबे चल कोई बात नहीं, कितना बना है भाई वो? अरे बस तैयार है, मैं टेस्टिंग के लिए यार इन भैया के पास आया था, पर भैया तो डरते हैं यार। भैया का कहना है अगर मैं हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया और अगर तुम्हारा सोल्यूशन ना चला तो क्या पता मैं मर जाऊं, तो वो डर रहे हैं यार। मैं अब किसी बंदे को ढूंढ रहा हूं जो सोल्यूशन टेस्ट करेगा। ओ अच्छा अच्छा ये बात है, चल कोई बात नहीं मिल जाएगा तुझे बंदा। अरे चलो जल्दी से, अरे हमने तो ना जाना था यार काम पे, ठीक है ना आयरन मैन? तो मिलता हूँ यार जल्दी। अरे यार यार बात तो सुनो यार मेरी। हाँ क्या हुआ? अरे यार तू मेरी हेल्प करता है ना हमेशा। तेरे कहने का मतलब क्या है बे? अरे यार सोल्यूशन टेस्ट करना मेरा एक बार पी के। पागल हो गया क्या? अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया और अगर आसमान में मैं मिरर वर्ल्ड में ना पहुंचा, भाई साहब सीधा नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा। अरे यार पर मुझे आयरन मैन पे पूरा भरोसा है। अरे यार ये हुई ना बात शिनचैन। अबे तू तो कह रहा है कि वो टेस्टिंग में अभी? अरे यार हाँ यार पहला टेस्ट करना है अभी उसका। तो क्या तुझे पक्का पता है वो काम करेगा? अरे यार पहला टेस्ट का मतलब क्या होता है? पहला टेस्ट का मतलब पता लगेगा पहले टेस्ट से कि क्या वो काम करता है या फिर नहीं। हो सकता है काम कर जाए और ये भी हो सकता है कि ना करे। बाय बाय बाय, ठीक है फिर मैं तो बिल्कुल नहीं टेस्ट करूंगा उसको। बाय सब कल करते है ना टेस्ट। अरे यार हाँ यार मैं भी अपनी जिंदगी उल्टी करना चाहता हूँ, मतलब यार मेरी जिंदगी में अभी जितनी भी कठिनाइयां हैं यार सभी दूर हो जाएंगी ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम जैसे अगर थोड़े बहुत अमीर हो तो तुम और अमीर हो जाओगे, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अबे और जैसे अभी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। अबे यार ये तो मस्त लग रहा है सुनने में। अरे यार तो देरी किस बात की? अरे यार करूँ क्या टेलीपोर्ट? अबे रुक रुक भाई साहब, मैंने तुझे टेलीपोर्ट करने को कब कहा? अरे अभी कर देता हूँ ना, तूने कहा कब था? लो पहुँच गए। भाई साहब कितना फास्ट है तू। अरे यार क्या बात है, हम तो आयरन मैन के घर पहुँच गए सीधा ही। अबे यार मेरी वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी रह गई। वेल तो गाइस अगर आपने आयरन मैन का घर नहीं देखा तो देख सकते हो भाई, ये आयरन मैन का घर। भाई यार आयरन मैन पहले मेरी बात सुन, अभी मैंने पक्का नहीं किया कि मैं उसका यूज करूंगा। अरे यार अब तो तूने पक्का कर ही लिया है। अरे यार हाँ यार डन है। भाई साहब कल में वैसे भी तो जिंदगी बेकार है बे, एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। अबे यार गाइस ये पक्का भाई साहब किसी ना किसी तरीके से मुझे प्रॉब्लम में फंसाएंगे। अरे यार फ्रैंकलिन रुक रुक, मैं अभी सोल्यूशन लेकर आता हूँ। अरे यार हाँ यार जल्दी लेकर आओ। अरे बस वेट करो, मैंने वैसे भी बहुत सारे सोल्यूशन बना लिए थे ताकि हम सब पे टेस्ट कर पाए। तुम कितने बंदे जाओगे? अरे यार हम तीनों ही। अबे भाई मैंने अभी कुछ नहीं कहा, भाई साहब कुछ नहीं होता, मैं कर दे तीन। अरे चल ठीक है मैं तीन लेकर आता हूँ। अबे यार तुझे कितनी जल्दी है? अरे यार मुझे पक्का पता है काम करेगा फ्रैंकलिन, जल्दी से पी ले। अबे यार कुछ गलत तो नहीं होगा? अरे यार कुछ नहीं होगा यार, चलो पी लेते हैं। अबे यार चलो गाइस एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पर अगर आयरन मैन कुछ भी प्रॉब्लम आई ना तो भाई तेरे को नहीं मैं छोड़ने वाला। अरे छोड़ेगा तो तब अगर बचेगा। क्या बोला? अरे कुछ नहीं पी लो पी लो। भाई यार ये प्रॉब्लम में ना फंसा दे। अरे यार कुछ नहीं होगा, जल्दी पी लो। वेल तो गाइस यहाँ पर हमने पी लिया है। भाई साहब मुझे तो कुछ चेंज नहीं लग रहा, पानी की तरह था। अबे यार अभी थोड़ी फर्क पता लगेगा, अबे क्या था पी तो लिया हमने। अरे यार अब कोई भी ऊंचाई वाली जगह से छलांग लगाओ, देखना तुम्हारी जिंदगी चेंज होती है। भाई जिंदगी चेंज होगी या फिर भाई अबे प्रॉब्लम ना आ जाए? अरे यार कुछ नहीं होता, तू डरता बहुत है फ्रैंकलिन। अबे डरना पड़ता है,
और ऊपर से अगर तेरे जैसे बंदे ने बनाया हो। क्या बोला? कुछ नहीं। अरे यार चलो यार ऊंचाई से छलांग लगाते हैं। पर भाई साहब अपनी छत से लगा दूं क्या? अरे यार नहीं नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई से लगाना। अरे जैसे कि माउंट चिलियर से लगा देना। अबे पागल हो गया क्या इतनी ऊंचाई से? अरे यार तभी ये काम करेगा, तुम नहीं चाहते ये काम करे? अरे यार हाँ यार चाहते हैं। अरे यार भाई जल्दी चलो यार माउंट चिलियर की पहाड़ियों में। ओके तो गाइस हमने जाना है माउंट चिलियर की पहाड़ियों में। भाई साहब मुझे गाइस डर लग रहा है, पर कुछ नहीं होता यार, देख ही जाएगा। बाकी इसको तो मैंने बता ही दिया है। चलो शिनचैन चोप जल्दी से चले भाई तेरी की। चलो शिनचैन चोप फिर चले जल्दी से। अबे एक सेकंड, अबे मेरी गाड़ी तो वहीं पे खड़ी रहेगी बे। तूने टेलीपोर्ट हमको तो कर लिया, हमारी गाड़ी को नहीं करना था? अरे यार मेरे पास एक गाड़ी है, ले लेना यार, डरते क्यों हो? हाँ ये बात सही है। वेल तो गाइस जल्दी से बाहर चलते हैं, और गाइस चलते हैं माउंट चिलियर की पहाड़ियों में। उसके बाद गाइस ऊपर से जंप लगाएंगे और गाइस देखेंगे कि क्या आसमान में हमें कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं। क्या गाइस हम मिरर वर्ल्ड में पहुंचते हैं या फिर ये सीधा काम नहीं करता, तो गाइस अभी पता लग जाएगा। जल्दी से बाहर चलते हैं। चल फ्रैंकलिन ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। अबे भाई एक तूने गाड़ी कैसी दी अबे? अरे यार मेरे पास यही है भाई। चलो यार जो भी है गाइस यहाँ पर बैठ जाते हैं। अबे जल्दी बैठ जाओ। भाई साहब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आयरन मैन। अरे यार हाँ यार मुझे बताना जरूर क्या बना। अबे बताऊंगा तो तब अगर ये काम करेगा। अबे जल्दी बैठ जाओ। अरे यार फैक्ट्री में बहुत मजा आएगा यार। अबे भाई तुम दोनों को मजा आ रहा है, मुझे अभी भी टेंशन हो रही है। अरे यार फैक्ट्री ध्यान से, और छलांग थोड़ा ध्यान से लगाइयो। हाँ भाई साहब टेंशन मत ले। वेल तो गाइस हमने जाना है माउंट चिलियर की पहाड़ियों में, ऊपर से छलांग लगानी है। और गाइस जैसे आयरन मैन का कहना है कि आसमान में यानी कि ऊपर आसमान में गाइस ये एक्टिवेट हो जाता है, तो गाइस देखते हैं आसमान में ये एक्टिवेट होगा या फिर नहीं। तो गाइस अगर आप सब लोग भी जाना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए, और गाइस हम जल्दी से माउंट चिलियर में जाकर आपको मिलते हैं। अरे यार गाइस हां यार मिलते हैं, बाय सब, चलो जल्दी से बे। अरे यार फेंकी दिया, बस पहुंच गए यार। हाँ भाई तो गाइज हम सभी लोग बस पहुंच ही गए हैं। मतलब गाइज देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पर हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर हैं। हमें गाइज थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट गाइज फाइनली पहुंच गए। अबे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ गया? भाई साहब पीछे है बे। अबे भाई साहब मैं गाड़ी मत तोड़ दूं। अरे यार क्या ही खटारा गाड़ी मिली है। अबे चल जो भी है कुछ तो है गाइस, इसी के साथ काम चला लेते हैं। और गाइस जैसे कि आयरन मैन ने कहा है, तो गाइस ऊपर से जंप लगानी है, तो गाइस ऊपर से जंप लगाने के लिए हमें गाइस यहाँ से ऊपर, अरे नहीं वहाँ पर भी तो एक जगह थी ना। अरे यार वहाँ पर है। वेल तो गाइस चलो वहाँ पर चलते हैं। भाई साहब बस ध्यान से जाना बे। अबे हाँ ध्यान से जाऊंगा। वेल तो गाइस देख सकते हो ये है गाइस वो वाली जगह जहाँ से हम जंप लगा सकते हैं। अबे भाई एक बार और सोच लो, अगर भाई ये एक्टिवेट ना हुआ तो हम तो बचने नहीं वाले। अरे यार मुझे पूरा भरोसा है यार, चलो भाई साहब पहले बस आंख बंद कर मैं दे रेस। वेल तो गाइस यार अगर भाई साहब ये काम ना किया मुझे उस बात का डर लग रहा है। बट गाइस जो भी है यार आप सब लोग लाइक कर दो, और गाइस हमने भी देखना है कि गाइस क्या होता है। वेल तो गाइस यहाँ पर हम जल्दी से यहाँ पर स्पीड देते हैं, और गाइस तीन गिने पे मैं यहाँ से जंप लगा दूंगा। एक दो, और गाइस ये हमारा तीन। अरे यार पहुंच जाएंगे यार। अबे यार अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अबे भाई साहब हम कहाँ हैं? अरे यार मुझको नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ मस्त सी गाड़ी में है। अबे यार गाइस मैं नीचे जा रहा हूँ। अरे यार बहुत ही ज्यादा फास्ट जा रहे हैं। अबे यार इसको कंट्रोल कैसे करूँ मैं? भाई साहब कर लो ध्यान से। अरे यार मैं तो चिपका हुआ हूँ। अबे भाई तू चिपक के रहना, बट यार गाड़ी स्लो नहीं जा रही। भाई साहब लग तो रहा है। अरे यार शायद अभी इतनी स्लो है क्योंकि हमें चोट ना लग जाए। अबे शायद हो सकता है। अबे यार गाइस हम नीचे जा रहे हैं, और गाइस यहाँ पर भाई अबे ये कितना फास्ट हो चुकी है। अरे यार क्या बचेंगे? अबे मुझे तो लगता है। वेल तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से। अबे एक सेकंड, अबे इस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। भाई साहब वो छोड़ दे, ये गाड़ी इतनी मस्त कैसे है? अबे हाँ यार गाइस हम इस वाली गाड़ी में तो आए नहीं थे यार। अबे एक सेकंड। अरे यार क्या ही मस्त लग रहे हो। अबे यार गाइस मैं कोट पैंट में इतने बढ़िया कपड़े में कब आ गया? भाई साहब गलवे क्या ही गाड़ी है बे, स्मूथ सी। अबे गाड़ी तो बहुत ही स्मूथ है, और गाइस देख सकते हो यार गाड़ी में एक भी खरोच नहीं, और गाइस आसमान में ही हमारी गाड़ी बदल गई। अरे यार इसका मतलब काम किया। अबे यार गाइस हाँ यार हो सकता है। अबे यार गाइस अब बिल्कुल मस्त लग रहा है यार, लगता है गाइस अब हमारे पास बहुत सच में पैसे हैं। अबे पर मुझे दुनिया उलट तो नहीं लग रही अभी कुछ ऐसा। अरे यार क्या पता यार, जब रोड में जाएंगे तब पता लगेगा। अबे हाँ फिर जल्दी से गाड़ी में बैठ। वेल तो गाइस इस गाड़ी में बैठ कर हम चलते हैं गाइस यहाँ पर रोड की तरफ, और गाइस यहाँ पर देखते हैं क्या चेंज हुआ है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी गाड़ी, और गाइस अगर इसकी स्पीड की बात करें तो गाइस इस गाड़ी की स्पीड का तो मतलब जवाब ही नहीं है यार, अबे बहुत स्पीड है इसकी तो। अरे यार बस ध्यान से चलाओ। अबे ध्यान से चला रहा हूँ मैं तो गाइस, यहाँ पर हमने तोड़ दिया, पर यहाँ से तो निकलना नहीं था। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पर निकलने का रास्ता ये है, बिल्कुल गाइस यही वाला रास्ता है। तो गाइस यहाँ पर हम रोड में आ चुके हैं, और गाइस ये गाड़ी का भाई जवाब सच में नहीं है। अरे यार ये तो सच में ही मस्त चीज है। भाई साहब कल ये तो भाई ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी इतनी स्पीड।
अबे यार गाइस ये तो कंट्रोल करने भी मस्त लग रही है, मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसको कंट्रोल करते वक्त। और गाइस अगर मैं ब्रेक आपको लगाकर दिखाऊं तो गाइस आप सभी लोग देख सकते हो क्या इसमें ब्रेक लगती है। अरे यार हम तो घर की तरफ जा रहे थे। अबे हाँ यार गाइस हमें घर की तरफ जाना चाहिए, देखते हैं गाइस कि क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर नहीं। भाई साहब जल्दी से जल्दी घर चल बे। अबे यार हाँ गाइस हम घर चलते हैं जल्दी से। तो गाइस स्पीड में मैं यहाँ पर गाड़ी चलाऊंगा और गाइस घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर गाइस आपको ये गाड़ी मस्त लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे तो बहुत लग रही है। जब तक गाइस हम जल्दी से अपने घर की तरफ जाते हैं, तो गाइस यहाँ से शॉर्टकट है, तो गाइस यहाँ पर पेट्रोल पंप से यहाँ से शॉर्ट कर लेते हुए जाते हैं। अबे यार सच में बहुत फास्ट है। तो अबे भाई बहुत ही ध्यान से तो मोड़ रहा हूँ। वेल तो गाइस हम घर के पास पहुंच ही चुके हैं, पहुंच गया चुके हैं भाई साहब। ये रहा गाइस हमारा घर, और गाइस घर के बाहर भी सुपर कार्स खड़ी है भाई साहब। पर घर तो बदला नहीं। अबे घर बदला नहीं वो छोड़, गाइस मुझे लगता है सच में हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है भाई साहब। देखो तीन तीन सुपर कार्स भाई, मस्त मजा आएगा। अबे एक सेकंड, ओए शर्मा जी आप हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? मैं आपका तो पड़ोस वाला घर है ना, निकल जाओ मैं बता रहा हूँ। अरे फ्रैंको सर आप क्या बोल रहे हैं? क्या फ्रैंको सर? अबे ये फ्रैंकलिन और ये मेरा घर है। अरे अरे फ्रैंको सर आप हमारे घर पे आए हो यार, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और एक सेकंड, ये मेरा घर नहीं है क्या? अरे फ्रैंको सर नहीं, ये तो मेरा घर है। अबे यार गाइस शर्मा जी का घर पड़ोस वाला था। अरे लगता है ये भी उलट हो गया है। अबे भाई फिर बाबा सब कले, फिर हमारा घर कौन सा है? अबे पता नहीं यार। अरे फ्रैंको सर आपको देखकर तो मेरी सच में आंखें ही भर आई। अबे एक सेकंड तू बार बार फ्रैंको सर क्यों बोल रहा है? अरे फ्रैंको सर क्या बात कर रहे हो, शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन होकर इतना मजाक। शहर के बिजनेसमैन फ्रैंको सर? अरे यार आप फ्रैंको है? अबे यार मैं तो फ्रैंकलिन हूँ। भाई साहब फ्रैंको जल्दी से गाड़ी में बैठ। अबे यार अब मुझे तू फ्रैंको मत बुला। भाई साहब गए सभी मुझे फ्रैंको कहकर बुला रहे हैं। अरे यार लगता है आपका घर कहीं और होगा। भाई साहब बड़ा सारा बंगला होगा तेरा। अबे यार गए हो सकता है। अरे यार फ्रैंकलिन भाई ये सब तो बहुत ही अजीब है यार। अबे अजीब नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब है भाई साहब। यहाँ पर तो गए उल्टा ही सीन चल रहा है। हमारा घर हमारा नहीं है पर शर्मा जी का है। भाई साहब तो शर्मा जी का घर किसका है? अबे मुझे वो जानने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो ये जानना है कि हमारा घर कौन सा है और हमारी प्रॉपर्टी और हम फ्रैंको हैं क्या? अरे यार हाँ यार आप तो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो फ्रैंको। अबे यार क्या भाई साहब नाम तो ढंग का रख लेते फ्रैंको। भाई साहब कल क्यों ना माइकल के पास चले? अबे हाँ अबे तू बात तो सही कह रहा है। अरे यार हाँ यार माइकल अंकल के पास चलेंगे तो यार पता लग जाएगा। अबे हाँ गाइस चलो माइकल के घर चलते हैं और गाइस वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। वेल तो गाइस हम सभी लोग माइकल के घर पहुंचने वाले हैं और गाइस यहाँ पर कुछ ही मिनटों में हम माइकल के घर पहुंच भी गए। वेल तो गाइस अब देखते हैं भाई माइकल क्या कर रहा है, मतलब गाइस माइकल के पास तो बहुत पैसा है भाई साहब, अभी भी गाइस वो ऐश कर रहा होगा। अरे यार हाँ यार वही तो देखना है। अबे तू जल्दी से पहले बाहर निकल। अरे यार जल्दी चलो यार देखते हैं। अबे हाँ जल्दी से आ जा। वेल तो गाइस यहाँ पर हम जल्दी से माइकल को बुलाते हैं। ओए माइकल, ओए माइकल कहाँ है बे, बाहर निकल। सर मालिक घर पे नहीं है। क्या अब कौन बोला ये? अरे यार लगता है गार्डनर बोला। अबे यार मालिक घर पे क्यों नहीं है, क्या करता है तुम्हारा मालिक? अबे एक सेकंड बाबा साहब क्या हुआ? अबे यही तो है। अरे यार कौन? अबे मालिक। अरे यार कौन सा मालिक? अबे ये तो माइकल। अबे हाँ माइकल। अबे माइकल तू क्या कर रहा है बे? सर मालिक घर पे नहीं है, बाद में आना। अबे मालिक ही तू है भाई, क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ? सर क्या मजाक कर रहे हो, हम जैसे लोग यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो ही नहीं सकते। मैं तो छोटा मोटा गार्डनर हूँ, इनके घर काम करने आता हूँ। अबे यार ये भी बिल्कुल ही भाई साहब उल्टा हो चुका है। भाई साहब कल ये माइकल का इतना बड़ा घर था भाई साहब, अब वो गार्डनर बन गया है। अबे यार गाइस ये आयरन मैन का मिरर वर्ल्ड तो बहुत ही तगड़ा है। अरे यार अगर मैं यहाँ पर दो सही नौ रह गया तो यार मैं तो पागल हो जाऊंगा। अबे यार पर यार मुझे तो ये जानना है कि मेरा घर कहाँ है। भाई साहब कल ये मैं तो कहता हूँ हम लोगों से पूछ लेते हैं भाई तेरा घर कहाँ है। अबे मैं अपना ही घर थोड़ी पूछूंगा भाई कहाँ है, पागल हो गया क्या? अबे एक सेकंड ये आवाज किसकी आ रही है? ओए फ्रैंको, फ्रैंको तू यहाँ है ना फ्रैंको? अरे यार ये तो हल्क है। अबे हल्क क्या हाल है बे, शुक्र है भाई तू तो इस मिरर वर्ल्ड में है। अबे यार पर जब मैं आयरन मैन के घर आया था फिर तो तू था नहीं, और क्या चल रहा है? ओए फ्रैंको मैं तेरे को मार डालूंगा बे। अबे हल्क क्या हो गया बे तेरे को, हम तो दोस्त है ना? ओए हम कोई दोस्त नहीं है बे, मैं मार डालूंगा तेरे को, तेरी तो। अबे भाई भागो, अबे भागो जल्दी से। अरे क्या हुआ यार? अबे भाई पता नहीं हल्को पागल हो गया है, जल्दी से गाड़ी में बैठो और मैं मार डालूंगा तेरे को। अरे यार फेंकी भाई जल्दी करो यार, मैं बैठ गया। अबे भगा रहा हूँ भाई साहब मैं। अबे गाइस हल्का पे जल्दी खुल जा। अबे यार गाइस हल्क तो हम पे मारने पे आ रहा है। बाबा साहब कल वो तो हमारा दोस्त था ना बे। अबे दोस्त था भाई साहब पर इस दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं है। अरे यार इस दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है। अबे यार मैं तो गाइस यहाँ पर डर रहा हूँ, मुझे वापिस जाना है, मुझे अमीर नहीं बनना भी, मैं वैसे ही ठीक था। बाबा साहब कल पर वापिस कैसे जाते हैं?
अबे वही तो मुझे पता नहीं यार, गाइस यहाँ पर हल्क हमारे पीछे लगा हुआ है, माइकल गाइस यहाँ पर गार्नर बना हुआ है, और गाइस ट्रेवर पता नहीं क्या कर रहा होगा, और गाइस बाकी सब लोग भाई पता नहीं क्या क्या चल रहा है गाइस यहाँ पर। यार हमें इस दुनिया को और समझना पड़ेगा। अबे यार गाइस, हाँ यार हमें इस दुनिया को समझने में लगेगा टाइम। यहाँ पर गाइस हमें सबसे पहले अपना घर ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, और गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, सब उल्टा उल्टा कैसे हुआ हुआ है, और गाइस ये फ्रैंको कौन है, मैं फ्रैंको कैसे हूँ, ये सारी बातें गाइस हम समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप सब लोग देखना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट ऑफ मिरर वर्ल्ड, तो गाइस मैं समझ आऊंगा एंड यहाँ पर मैं मिरर वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गाइस हम यहाँ पर कहीं छिप जाते हैं या फिर क्या करें, हम गाइस अमीर तो बहुत है इस वर्ल्ड में, बट गाइस कैसे वाले अमीर है वो मुझे नहीं पता। अरे यार और वापस जाने के लिए आयरन मैन के पास जाना पड़ेगा। अरे यार हाँ गाइस, हम जाएंगे आयरन मैन के पास, और गाइस आयरन मैन के पास जाकर समझेंगे क्या गाइस कि यहाँ पर कैसे हम सब लोग वापस जा सकते हैं, और गाइस यहाँ पर अगर सब कुछ उल्टा हो चुका है तो गाइस आयरन मैन भी उल्टा ना हो गया हो, ये गाइस हम सब लोग देखने वाले हैं। अगर आप सब लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय सब, तब तक के लिए गाइस जय हिंद वंदे मातरम। हाँ गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।